आज वो दिन है जिस दिन मायरा खान पैदा हुई थी, आज इनकी बर्थडे है, बावजूद उसके ये यहां आई हैं, तो आपकी तरफ से बहुत सी तालियां होनी चाहिए। आपको खास तौर पर जिस तरह शहनाज रमजी साहिबा ने मधु किया, उसका सबब ये था कि हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। और इससे कबल के ये खूबसूरत केक जो आपकी तस्वीर के हमरा यहाँ आ गया है, और साथ ही आपकी सालगिरह में एक और मेहमान को शरीक कर रहा हूँ आपकी इजाज़त के साथ, मोहतरम जनाब पाकिस्तान का क्रिकेट स्टार, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, आपकी भरपूर तालियों में साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम मिसबाहुल हक। एक टाइम आता है जब एक उम्र के बाद केक नहीं काटा जाता, ये मैंने सुना है, और मैं वहाँ से चलती हुई कहती भी आ रही थी कि प्लीज़ मुझसे, अच्छा मेरा नहीं आया, नहीं मुझे लगता है ऐसा कोई टाइम ही नहीं है, मुझे अभी रियलाइज़ हुआ है जब कहा नहीं जाता। मगर एक्चुअली जब मुझे बताया गया कि मुझे अवार्ड मिल रहा है और आप आइएगा, मैंने कहा डेट बताइए, तो शहनाज आंटी ने कहा कि 21 दिसंबर। मैंने कहा वो तो मेरी बर्थडे है, मैं नहीं आ पाऊँगी क्योंकि सब फिर मेरे घर पे होते हैं। तो उन्होंने एक बात कही जो मेरे दिल को जाके लगी, उन्होंने कहा कि क्या ये अच्छी बात नहीं है कि अपनी सालगिरह पे आप को लोग सराह रहे हैं। एंड देन आई थॉट दैट एक्चुअली ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, ऐसी कोई बर्थडे नहीं हुई जहाँ मैंने कोई काम ना किया हो, और मैं अपने आप को आई थिंक बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं अपनी सालगिरह पे या तो काम कर सकती हूँ या फिर आप लोगों से मिल सकती हूँ। द पीपल फ्रॉम माई कंट्री जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, सो थैंक यू सो मच, एंड या हैप्पी बर्थडे टू मी एंड ऑल ऑफ यू ऑल्सो, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस अवार्ड एंड ऑनर। मायरा खान आपको जाते जाते कहूंगा, ये सब लोग जो मौजूद हैं ये पक्के पक्के आपके मशहूक हैं।